चिड़िया अपने तीन बच्चों के साथ घर में बैठी हुई थी। आज जंगल का मौसम कुछ ठीक नहीं था। हवा चल रही थी और आसमान पर बादल छाए हुए थे। बादल तो गहरे होते जा रहे हैं और मुझे अभी अपने बच्चों के लिए भोजन लेने भी जाना है, क्या करूं? मम्मा, आप भोजन लेने कब जाएंगी? मम्मा, हमें बहुत भूख लगी हुई है। वो छोटे बच्चे भूखे थे, उन्हें तो बस भोजन चाहिए था। वो क्या जानते थे कि उनकी मम्मा उनके भोजन को लेकर कितनी परेशान है। मुझे अपने बच्चों का पेट तो भरना होगा, मुझे जाना होगा। और अभी कौन सा बारिश शुरू हुई है, मैं बारिश शुरू होने से पहले पहले घर लौट आऊंगी। वो चिड़िया ऐसा सोचती है। बच्चों, मैं जा रही हूँ और आप घर में ही रहना। और बड़े, आपने अभी नया नया उड़ना सीखा है, इसलिए मेरे पीछे से उड़ने की कोशिश न करना। ऐसे वो चिड़िया अपने घर से निकलती है। कौवा जो चिड़िया के पास पे रहता था, चिड़िया को जाते देख उसे आवाज देता है। चिड़िया रुको, रुको तो मेरी बात सुनो। मुझे देर हो रही है, मौसम खराब है, जल्दी बताओ क्या बात है। भोजन लेने जा रही हो तो मुझे भी साथ लेती जाओ, मुझे तो पता नहीं है कि भोजन कहाँ से मिलेगा। आप हर बार मुझसे धोखा करते हो, भोजन मैं ढूंढती हूँ और छीन आप लेते हो, इसलिए आज मैं आपके साथ नहीं बल्कि अकेले ही जाऊंगी, आप मेरा समय जाया ना करें। ऐसा कहते हुए चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। बड़ी जबान चलने लगी है इस चिड़िया की, पहले तो ऐसी ना थी। पहले ये हमसे डरती थी और अब दूसरे पक्षियों को देख देख कर इसका डर खत्म हो गया है, मुझे इसका कुछ करना होगा। चिड़िया उड़ते उड़ते बीच जंगल के पहुंच जाती है और फिर आसमान पर बादल गरजता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। वो अपने बच्चों को लेकर बहुत चिंतित हो रही थी। बारिश तो बहुत तेज है और मेरे बच्चों के लिए तो ये पहली बारिश है, मेरे बच्चे डर रहे होंगे, मैं क्या करूं? वापस घर जाऊं तो भोजन कहां से लूंगी, मुझे वापस घर ही जाना होगा। ऐसा सोचते हुए चिड़िया उड़ने की कोशिश करती है, परंतु वो उड़ नहीं पाती और वो फिर से उसी डाल पर बैठ जाती है। मैं बारिश के रुकने का इंतजार करती हूँ, ऐसी बारिश में उड़ना तो बहुत मुश्किल है। आसमान पर बादल की गरज सुनकर तीनों बच्चे बहुत डर जाते हैं। ये आवाज कैसी है, मैंने पहले तो कभी ऐसी आवाज नहीं सुनी। मैंने भी, ये आवाज तो बहुत जोर की थी। उनका तीसरा छोटा भाई तो वो आवाज सुनकर डर कर बैठ जाता है। भाई भाई, जरा बाहर देखो, आसमान से पानी गिर रहा है, इतना ज्यादा पानी, ये पानी कहाँ से आ गया? पानी तो नदी में होता है, ये आसमान से पानी कहाँ से आ गया? मुझे तो ऊपर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। भाई भाई, उधर देखो, वो रोशनी कैसी है, बहुत तेज रोशनी थी। ये बारिश उनकी पहली बारिश थी, इसलिए वो ये सब देख बहुत हैरान हो रहे थे। कालू, चिड़िया के बच्चे घर के बाहर बारिश देख रहे हैं, चलो तो उन्हें थोड़ा तंग करते हैं। चलो चलो, चिड़िया मेरी बेइज्जती करके गई थी, अब चिड़िया के बच्चों से बेइज्जती का बदला लेते हैं। वो दोनों चिड़िया के घर की तरफ जाते हैं। बड़े और छोटे, तुम दोनों क्या देख रहे हो? ये पानी कहाँ से आ रहा है, और ये आवाज, और ये रोशनी कैसी है? तुम्हारी मम्मा के चोट लगी है और वो रो रही है, ये पानी तुम्हारी मम्मा के आँखों से निकल रहा है। क्या क्या, मेरी मम्मा के कैसे चोट लग गई, और आपको कैसे पता चला? ये पानी देखकर पता चला हमें, और ये जो रोशनी नजर आ रही है, वहाँ से तुम्हारी मम्मा तुम्हें बुला रही है, जाओ और अपनी मम्मा की मदद करो। ये सुनकर छोटा तो रोने लग जाता है। नहीं छोटे भाई, चुप कर जाओ, मम्मा कहती है ऐसे मुश्किल समय में रोते नहीं है, आप बहना का ध्यान रखना, मैं मम्मा के पास जाता हूँ।
ऐसे बड़ा बच्चा उन कौवों के कहने पर अपनी मम्मा की मदद करने चला जाता है। उसे उड़ने में कोई मुश्किल ना हो रही थी क्योंकि उसे तो उड़ने का बहुत शौक था। कालू जी, अब चिड़िया जब घर आएगी तो अपने बेटे को ना देख बहुत रोएगी और फिर मेरा दिल खुश हो जाएगा चिड़िया को रोते देखकर। अब पता चलेगा चिड़िया को कि कौवों से तमीज से बात करते हैं। चिड़िया भी डाल पर बैठी अपने बच्चों को याद कर रही थी। मैं थोड़ी ही देर में लौट आऊंगी मेरे बच्चों। मेरा बड़ा बेटा बहुत बुद्धिमान है, वो अपने छोटे बहन भाई को देख लेगा। चिड़िया ऐसे अपने दिल को तसल्ली देती है। चिड़िया का बड़ा बेटा अपनी माँ की खोज में उड़ता जा रहा था। वो उस रोशनी की दिशा में उड़ रहा था जो आसमान पर बादल की गरज से पैदा हो रही थी। एक बूढ़ी फाख्ता जब उस बच्चे को ऐसी तेज बारिश में उड़ता देखती है तो वो उसे आवाज देती है। सुनो सुनो छोटे पक्षी, मेरी बात सुनो। जी आंटी, मैं अपनी मम्मा की मदद को जा रहा हूँ, आपने मुझे क्यों आवाज दी? क्या हुआ है बेटा आपकी मम्मा को? कवे अंकल ने बताया है कि मम्मा के चोट लग गई है और मम्मा रो रही है, इसलिए तो मम्मा की आंखों से ये पानी गिर रहा है। नहीं बेटा, ये पानी तो बारिश का है, ये छोटे छोटे कतरे बारिश के हैं, तुम्हारी मम्मा के आंसू नहीं है। फिर मम्मा मुझे वो सामने रोशनी दिखा कर क्यों बुला रही है? मुझे ये सब अंकल कवे और गोरी आंटी ने बताया है। आपकी मम्मा कहाँ गई थी जब आसमान से ये पानी शुरू हुआ? मेरी मम्मा भोजन लेने गई हुई थी। ये सब सुनकर वो बूढ़ी फाख्ता समझ जाती है कि कौवों ने कैसे उस छोटे बच्चे के साथ मजाक किया है, और ऐसा खतरनाक मजाक जो उसकी जान भी ले सकता है। उन कौवों ने आपको पागल बनाया है और उन्होंने आपको गलत रास्ते पर भेज दिया है। वो झूठ बोल रहे हैं, आप मेरा विश्वास करें, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। बेटा आप ये छाता ले जाएं, ये कोई साधारण छाता नहीं है। बेटा ये आपके ऊपर ऊपर उड़ेगा और आपको आपकी मम्मा के पास ले जाएगा, और ये छाता आपको भोजन भी दिखाएगा। आप बहुत अच्छी हैं आंटी, आपने मुझे सीधा रास्ता दिखाया, और वो कौवे बहुत गंदे हैं जिन्होंने मुझसे सब झूठ बोला। फिर बड़ा वहाँ से उड़ता है तो वो छाता भी उसके ऊपर ऊपर उड़ने लगता है। अब वो बहुत अच्छा महसूस कर रहा था, वो पानी से भीग भी नहीं रहा था, उसे अब बहुत मजा आ रहा था। और फिर कुछ ही देर में वो छाता उसे उसकी मम्मा के पास ले जाता है। मम्मा मम्मा, मेरी मम्मा ठीक तो है ना? तो ठीक हो बेटा, परंतु आप यहाँ कैसे, और वो भी ऐसी बारिश में? फिर चिड़िया का बेटा अपनी मम्मा को सारी बात बताता है कि कैसे कौवों ने उसे झूठ बोलकर घर से बाहर भेज दिया, और फिर कैसे उस बूढ़ी फाख्ता ने वो जादुई छाता उसे दिया। मेरे बच्चे आप बहुत बहादुर हो, आपने तो सच में अपनी मम्मा की मदद की है। वो कौवे ये नहीं जानते कि भगवान की मदद हमारे साथ हो तो कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मम्मा मम्मा, फाख्ता आंटी बता रही थी कि ये छाता हमें भोजन भी देगा। तो फिर मांगो इस जादुई छाते से अपने मन का भोजन। छाते छाते मुझे और मेरी मम्मा को भोजन तक ले जाओ, हम भूखे हैं। और फिर वो छाता फिर से उड़ता है और साथ साथ वो माँ बेटा भी उड़ते हैं। गौरी, ये बारिश तो ना जाने कब रुकेगी, मेरा तो भूख से बुरा हाल है, चलो तो कहीं से भोजन ढूंढते हैं। अब
अगर वो छोटा सा बच्चा ऐसी बारिश में उड़ सकता है तो हम क्यों नहीं। ऐसा सोचते हुए वो दोनों उड़ते हैं। हवा तेज थी, वो बहुत मुश्किल से उड़ रहे थे, परंतु हवा तो उन्हें इधर उधर धक्के दे रही थी। चिड़िया और उसका बेटा भी उस छाते के साथ साथ उड़ते उड़ते एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां ढेर सारा भोजन था। ये जगह चिड़िया ने पहले कभी ना देखी थी। फिर चिड़िया और उसका बेटा वहां से कुछ भोजन लेते हैं। छाते छाते अब हमें घर ले जाओ। फिर वो छाता वापिस उड़ता है और मम्मा और उसका बेटा भी अपना भोजन लेकर छाते के नीचे नीचे वापिस सो लेते हैं। जब वो पहाड़ों के पास से गुजर रहे थे तो चिड़िया की नज़र नीचे जमीन पर जाती है। वहाँ कौवा और कौवी एक झाड़ी में फंसे हुए थे। चिड़िया वहाँ रुकती है। कौवो, मेरे बेटे से इतना बुरा मजाक करने के बाद अब यहाँ क्या कर रहे हो? चिड़िया, हमें इन झाड़ियों से निकालो, हम तेज हवा से गिर गए थे और फिर यहाँ फंस गए। बड़े, हमें माफ कर दो, हमने तुमसे झूठ बोला। और देखो मेरे बेटे ने कैसे मेरी मदद की। मेरे बेटे ने अपने जादुई छाते से मेरी मदद की, हमने भोजन भी ले लिया और हम सुरक्षित भी हैं। फिर चिड़िया उन्हें झाड़ियों से निकालती है। अब आप भी हमारे छाते के नीचे आ जाएं और वापस घर चलें। हमारे पास भोजन हमारी जरूरत से ज्यादा है, हम आपको भी कुछ भोजन दे देंगे। ऐसे चिड़िया और उसका बेटा कौवों को भी अपने छाते में ले लेते हैं और वो सब सुरक्षित वापस पहुंच जाते हैं। कालू जी, इस चिड़िया के तो उल्टे काम भी सीधे हो जाते हैं, और हम चिड़िया से बड़े भी हैं और शक्तिशाली भी हैं, परंतु फिर भी हमेशा ये चिड़िया ही हमारी मदद करती है। फिर उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, क्योंकि हमेशा अच्छाई जीत जाती है और बुराई हार जाती है। चिड़िया अपने बच्चों के साथ अपने घर में सुरक्षित बैठी बारिश के मजे ले रही थी और उनका जादुई छाता उन्हें देख मुस्कुरा रहा था। कबूतर भैया, इस बार तो हम आपकी शादी करके ही रहेंगे। बुलबुल बहन ने रिश्ता देखा है आपके लिए, बहुत अच्छी और सुंदर कबूतर है। हर बार चिड़िया बहन आप ऐसे ही कहती हैं। गोरी कौवी होने देगी मेरी शादी तो फिर ही होगी। जब भी आप कहीं मेरे लिए कोई कबूतरी देखते हैं तो गोरी कौवी मेरे ससुराल जाकर न जाने क्या कहती है कि मुझे हर बार रिश्ते से जवाब हो जाता है। हमें तो खुद समझ नहीं आती कि उस गोरी की बच्ची को आपसे इतनी नफरत क्यों है। वो हर समय मुझसे लड़ती है और उसकी इच्छा है कि मैं सारी उम्र कमवारा ही रहूं। इसी कारण वो मेरी शादी नहीं होने देती। परंतु कबूतर भैया, इस बार सारा काम पक्का है। बुलबुल दीदी ने कबूतरी भी देख ली है और आपके ससुराल वालों से बात भी कर ली है। तो फिर कब जाना है मुझे साथ लेकर मेरी पत्नी जी को लेने? बुलबुल दीदी गई हुई तो है तुम्हारे ससुराल वालों से पूछने, शाम तक वो लौट कर आ जाएगी तो फिर ही पता चलेगा। वो सब ऐसे बैठे कबूतर की शादी की बातें कर रहे थे। दूसरी तरफ गोरी कौवी भी पूरी तरह तैयार थी कबूतर का रिश्ता तड़वाने के लिए। कालू जी, आप बैठे जग्गू के पास, मैं अभी दूसरे जंगल से होकर आती हूँ। मुझे पता चला है वो मोटी बुलबुल ब्याह करती फिर रही है कबूतर का। जरा मैं भी तो देखूं कैसे शादी करते हैं उस गंदी आंखों वाले कबूतर की। गोरी, क्यों हर बार तुम कबूतर का रिश्ता तड़वा देती हो? आखिर उसने बिगाड़ा क्या है तुम्हारा? एक बार मकई का भुट्टा क्या मैंने चुरा लिया था उसका। पूरे जंगल को इकट्ठा कर लिया उस गंदे कबूतर ने और मेरी बहुत इंसल्यूट की थी उस कबूतर ने। मैंने भी उसी दिन सोच लिया था कि अब तो कबूतर कमवारे ही मरोगे, गोरी शादी नहीं होने देगी तुम्हारी। अच्छा, मेरे पास समय थोड़ा है, मुझे जाने दो, शाम को बताऊंगी बाकी की बात। फिर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। गोरी कौवी को तो ऐसे जल्दी थी जैसे वो कितने जरूरी काम से जा रही हो। वो बहुत तेज उड़ रही थी। फिर वो दूसरे जंगल कबूतर के ससुराल के पास पहुंच जाती है।
गौरी कवि नाम है मेरा। मैं उसी गंदी गंदी आंखों वाले कबूतर के जंगल में रहती हूँ जहाँ आप अपनी बेटी की शादी करने वाले हैं। आए आए बहन जी, बैठे, हम शरबत लाते हैं आपके लिए। शरबत मैं अगली बार पीऊंगी, मेरे पास समय नहीं है। अच्छा यही है, आप अपनी बेटी की शादी उस कबूतर से ना ही करें, वो तो एक नंबर का नशेई है। क्या क्या हमारा होने वाले दामाद ही नशा करते हैं? पक्का शराबी है वो, और सारा सारा दिन शराब पीकर नदी पर बैठा गाने गाता रहता है और आती जाती चुड़ियाओं को तंग करता रहता है, और तो और साथ साथ चोरियां भी करता है। मार मार कर मार ही देगा आपकी बेटी को। परंतु बुलबुल ने तो हमें ये बात नहीं बताई। बताएगी भी कैसे, वो सोदाने चावल के जो लिए हैं उसने उस नशेई से। अब किसी से मेरा नाम न लेना कि मैंने सब सच सच आपको बता दिया है। फिर गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। रास्ते में बुलबुल भी गौरी कवि को जाते हुए देख लेती है। बुलबुल जैसे ही कबूतर के होने वाले ससुराल वालों के पास शादी का समय पूछने जाती है, वो तो बुलबुल से लड़ाई शुरू कर देते हैं। भागो यहाँ से, बड़ी आई रिश्ते करवाने वाली, उस नशे से हम नहीं करेंगे अपनी बेटी की शादी। परंतु भाई जी, वो कबूतर तो ऐसा नहीं है, वो तो हमारे जंगल में सबसे अच्छा पक्षी है। तुम तो ऐसा कहोगी ही, सोदाने चावल जो लेकर खाए हैं तुमने। मैं कहता हूँ भाग जाओ यहाँ से, वो कबूतर अगर सोने का भी बन जाए तो फिर भी हम अपनी बेटी की शादी उससे नहीं करेंगे। फिर वह बुलबुल निराश होकर वहाँ से चली जाती है। क्या बना बुलबुल दी, कबूतर भैया के दुल्हन लेने कल ही जाना है ना? सुबह के समय जाना है या शाम को? मैं तो कहता हूँ सुबह ही चले जाएंगे। मुझे तो इतनी खुशी है कि आज की रात न जाने मैं सो भी सकूं या नहीं। परंतु बुलबुल खामोश थी। बुलबुल बहन, आप खामोश क्यों हैं? सब ठीक तो है? जब मैं कबूतर के होने वाले ससुराल के पास जा रही थी तो रास्ते में मुझे गौरी मिली थी। तो फिर समझ लो, हो गया जवाब मुझे इस बार फिर। मैं तो पहले ही कहता था कि वो गौरी मेरी शादी नहीं होने देगी। गौरी ने ना जाने वहाँ क्या क्या बातें की हैं। वो जैसे ही मैं गई गुस्से में आ गए और मुझसे कहने लगे कि भाग जाओ यहाँ से। गौरी ने कहा कि हमारा कबूतर भैया शराब पीता है। अब तो कभी ही मैं शादी का नाम ही नहीं लूंगा और ना ही गौरी कभी कभी शादी होने देगी मेरी। और हम भी शादी करके ही रहेंगे अपने कबूतर जी की। चिड़िया, अब तो कुछ ना कुछ करना ही होगा। तोते भैया, मैंने योजना बना ली है कि अब कैसे हम शादी करेंगे अपने कबूतर जी की। वो कैसे चिड़िया बहन, हमें भी तो बताएं। सब पास पास हो जाएं। अब हम अपने कबूतर भैया की शादी का किसी को नहीं बताएंगे और सबसे यही कहेंगे कि पूनम की रात एक फंक्शन है, और किसी को ये भी नहीं बताएंगे। अब हम पूनम की रात अपने कबूतर की शादी करने जा रहे हैं। परंतु चिड़िया, कोई कबूतरी है आपकी नज़र में? मैंने एक और कबूतरी देखी हुई है, मैं आज ही जाकर उससे बात कराती हूँ, वो तो रहती भी अकेली ही है। और पूनम की रात का बताना उसे कि पूनम की रात को शादी करना है। अब तो होगी हमारे कबूतर की शादी। आहिस्ता बोलो तोते, कहीं गौरी ना सुन ले। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। शाम को चिड़िया दूसरे जंगल उस कबूतरी से बात करने चली जाती है। कबूतरी बहन, आपका नाम क्या है? मेरा नाम लूसी है। हमारे कबूतर की शादी करना चाहते हैं हम आपसे, क्या आप शादी करोगी हमारे जंगल के कबूतर से? वो बहुत सुंदर है। बहन जी, शादी तो मुझे करना है, परंतु वो कोई नशा वगैरह तो नहीं करता, अच्छा है ना वो कबूतर? वो कबूतर बहुत अच्छा है और आपको खुश रखेगा। तो फिर मैं राजी हूँ। परंतु लूसी बहन, पूनम की रात को मैं आकर आपको ले जाऊंगी और शादी हम अपने जंगल में ही करेंगे। जी बहन, जैसे आपकी इच्छा। लूसी बहन, अब मैं चलती हूँ, शाम भी होने ही वाली है। फिर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दो दिन गुजर जाते हैं और पूनम की रात भी आ जाती है। सब तैयारियाँ हो गई है ना? सब हो गया है, बस मिठाइयाँ लानी है, वो तोता लेने गया हुआ है। वो ऐसे बात कर रहे थे कि गौरी कवि भी वहाँ आ जाती है, जिसे देख कबूतर तो डर जाता है। रानो बहन, वो देखें, गौरी आ रही है।
अगर उसे पता चल गया कि आज मेरी शादी है तो फिर से गड़बड़ हो जाएगी। आप चुप रहना, उससे मैं ही बात करूंगी। क्या तैयारियां हो रही हैं छोटी चिड़िया और कबूतर जी? कहीं कबूतर की शादी तो नहीं कर रहे आप? कबूतर तो पूरी तरह डर जाता है, वो चुप ही रहता है। आज हमने फंक्शन रखा है जंगल में। किस बात का फंक्शन? आखिर हुआ क्या है? ना तो किसी का जन्मदिन है और ना ही कोई त्योहार, फिर कैसा फंक्शन? मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। छुपा लो छुपा लो, गौरी से भी कोई बात छुपी नहीं रहती। गौरी बहन जी आपको मिठाई खिलाएंगे आज रात। गौरी कुछ बोले बिना वहाँ से चली जाती है। गौरी क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो? चिड़िया, तोता और कबूतर आज रात कोई फंक्शन कर रहे हैं। मुझे डर है कि कहीं कबूतर की शादी ना कर दे आज रात। कबूतर की शादी की बात सुनी तो नहीं कहीं से? मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझसे कुछ छुपा रहे हैं सब पक्षी। और अगर कबूतर की शादी हो गई, फिर गौरी तुम हार जाओगी। मैं अभी आई। फिर गौरी कव्वी वहाँ से चली जाती है। बुलबुल बहन, ये चिड़िया कबूतर और तोता आज क्या करने जा रहे हैं? बड़ी तैयारियां कर रहे हैं, कोई फंक्शन कर रहे हैं आज रात। गौरी ये नहीं जानती थी कि बुलबुल को भी चिड़िया ने बता रखा है कि गौरी से कोई बात नहीं करनी और इस बार कबूतर की शादी गौरी से चोरी चोरी करनी है। नहीं, मुझे तो कुछ पता नहीं, हो सकता है कोई जन्मदिन हो किसी का। जन्मदिन तो किसी का नहीं है। फिर गौरी वहाँ से चली जाती है। रात भी हो जाती है। पूनम रात का चांद तो ऐसे रोशन था जैसे रात को सूरज निकल आया हो। चिड़िया भी लूसी कबूतरी को लेकर पहुँच चुकी थी, जिसे देख कबूतर तो मन ही मन में बहुत खुश हो रहा था। फिर ऐसे गौरी कव्वी से चोरी चोरी कबूतर की शादी लूसी कबूतरी से हो ही जाती है। कबूतर जी, अब अगर हो ही गई है तुम्हारी शादी तो मिठाई तो खिला दो। कबूतर तो अब भी डर रहा था। वो सामने पड़ी है मिठाई, आप सारी ही ले लें और चले जाएं। ये सुनकर चिड़िया, तोता और बुलबुल हंसने लग जाते हैं।